सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने रिस्ट को पावरफुल बनाने के लिए जिम में। आज मैं आपको बताऊंगा 3-4 ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे आप अपनी रिस्ट को पावरफुल बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रिस्ट कर्ल। इसमें आपको कोई भी स्ट्रेट बेंच लेनी है, ऐसी जरूरी नहीं, आप कहीं पे भी हाथ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है आपका हाथ ज्यादा ना आगे होना चाहिए ना ज्यादा पीछे होना चाहिए, इतना रखना है कि आपकी ये रिस्ट आराम से यहाँ पे घूम सके और आपको ज्यादा वेट नहीं लेना है। ऐसी आपको 15 टाइम इस हैंड से करना है, उसके बाद हैंड चेंज करेंगे। एक बार ये एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग चेंज करेंगे, अब हम लोग रिवर्स साइड से करेंगे। चेंज या तो आप इसे ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे आराम से नीचे बैठ के Yes. मुझे ये पोजीशन ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, इसमें आप इजीली अपने रिस्ट पे फोकस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं ग्रिप क्रश। इसमें सेम आपका रिस्ट कर्ल वाला मूवमेंट रहेगा। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, आपका हाथ यहाँ से नीचे जाएगा, ऐसे आपको हाथ खोलना है, देन फिर आपको ऊपर लेके आना है। अगेन अगेन ऐसे 15 टाइम आपको इस हैंड से करना है, फिर हैंड चेंज करना है, देन अगेन अगेन। गाइस आप इस एक्सरसाइज को आप रॉड के साथ भी कर सकते हैं, इसे आप रॉड के साथ भी कर सकते हैं। सेम यस यस नीचे 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 और नीचे, वेरी गुड। ये दो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई हैं रिस्ट की। अब दो एक्सरसाइज और बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ऐसे इक्विपमेंट का यूज करना है, ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा इजीली। इसका यूज कैसे करना है उसके बारे में बताता हूँ। अब हम लोग करेंगे फोर आर्म स्क्वीज। इसे आपको ऐसे पकड़ना है अपने फिंगर्स और ये थंब से, एंड देन प्रेस करना है इसे। ये भी रिस्ट के लिए आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। या तो आप इसे प्रेस करके ऐसे अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है अपनी रिस्ट को पावरफुल बनाने के लिए। हैंड चेंज सेम। अभी ये जो इक्विपमेंट है ये जिम में वेट रोकने के काम आता है, लेकिन मैंने इसे यूज करना आपको बता दिया कैसे आपको यूज करना है। अगर आपको फोर आर्म स्क्वीज करना है इसके लिए अलग से इक्विपमेंट आता है, आप अमेजोन में जाके चेक कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा उस प्रोडक्ट का। एक एक्सरसाइज ऐसी आपको बताने वाला हूँ जो हमारे ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग में भी की जाती थी। हम लोग क्या करते थे, लकड़ी का एक डंडा लेते थे, उसमें यहाँ पे वेट लगा के नीचे पत्थर लगा देते और फिर उसे रोल करते थे। इसमें आपको ध्यान रखना है आपका हाथ यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे आपको रोल करना है। अभी इसमें वेट नहीं है तो आप इसे 100 to 200 टाइम्स ऐसी घुमा सकते हैं, और ऐसी जब 200 टाइम्स आप इसे रोल कर लेंगे तो आप इसे रिवर्स मूवमेंट में घुमा सकते हैं। गाइस ऐसी इक्विपमेंट आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके रिस्ट और फोर आर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। टिल देन इससे पहले स्टे फिट, प्रशांत मेहता साइनिंग ऑफ। Can we switch up all the